अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रभाग, जिसमें मौजूद हूँ मुमरा के गांव देवी चार मीनार के पास में। और आपको बता दें कि पहले यहां पर एक ब्रेकर था, लेकिन काफ़ी हादसे उस ब्रेकर की वजह से हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उस ब्रेकर को हटाया गया। अब देखेंगे वहां काफ़ी उखड़ खाबड़ जगह हो गया है। और आज अभी करीब जो है शाम के 5 बजने को आ रहे हैं और इसी वक्त यहाँ पर एक हादसा हुआ। एक बाइक सवार जो है यहाँ पर कंटेनर के चपेट में आया। दरअसल बताया जा रहा है उसकी बाइक जो कंटेनर के चपेट में आई, वो लोग जो है रोड के दूसरे तरफ गिरे। दरअसल पूरा मामला क्या हुआ, कैसे ये हादसा हुआ, जो चश्मदीद है उन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सैयद इमरान। अच्छा, यहाँ पर एक हादसा हुआ है अभी, एक लड़का और एक लड़की बाइक से जा रहे थे, तो क्या देखा आपने, कैसे वो हादसा हुआ? अरे वो लोग बाइक से आ रहे थे, वो ब्रेकर समझ के ना उसका दिमाग हिल गया, तो उसने गाड़ी छोड़ दिया। गाड़ी कंटेनर वाला जो बाजू में था, तो गाड़ी कंटेनर के नीचे चली गई, उसने उड़ाते हुए चला गया भाग। लेकिन अभी तो ब्रेकर है नहीं। ब्रेकर नहीं है, मगर इधर साइड में सब ये कट मार के जाते हैं, उधर साइड का, इधर का मतलब उसका संतुलन बिगड़ा। और हाँ, और लड़की और लड़का थे। हाँ, लड़का लड़की इधर दोनों गिर गए, लेफ्ट साइड चोट लगी उन दोनों को। हाँ, दोनों को लगी, हाथ पैर में लगी है, एक को तो यहाँ पे ही लगी है। और ये डेली होते रहता है यहाँ पे, हमेशा होता है। हाँ, वो देखो सामने देख लो, ट्रक चढ़ जाती है। तो कितने बजे ये हादसा हुआ? ये 4:30-5 बजे के टाइम। 5 बजे के टाइम। हाँ, तो आपको बता दें कि इस तरह के जो है घटनाएं यहाँ पर हमेशा होती है, लेकिन जो ये बाइक है आप देखेंगे कि ये बाइक पूरी तरह से एकदम क्षतिग्रस्त हो गई है, टूट गई है। इसके बाइक के पूरे पर खच्चे उड़ गए हैं, आप देखेंगे शायद संतुलन बिगड़ा। जिस तरह से जो चश्मदीद हैं उन्होंने बताया कि संतुलन बिगड़ा उसका, और ये देखेंगे कि ये टायर भी एकदम मतलब ख़त्म हो चुका है। हो सके ब्रेक लगाया हो और स्लिप हुई हो, उसके बाद ये कंटेनर के नीचे ये बताया जा रहा है कि बाइक इसकी चली गई और लड़का और लड़की दोनों रोड के जो है दूसरे तरफ जाकर गिरे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि दोनों को चोट लगी है और दोनों को हॉस्पिटल जो है भेजा गया। आपका क्या नाम है? बबलू नाम है मेरा। आप यहीं पर रहते हैं? यहीं पर रहते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है यहाँ पर हमेशा ऐसे हादसे, ये जो ब्रेकर जो तोड़ा है ना उनने, अभी ब्रेकर तो है नहीं फिलहाल, ये ब्रेकर पहले था तो कम एक्सीडेंट होता था, ब्रेकर तोड़ने से तो खरबुड़ा है, डेली एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, एक दो दिन में दो एक तो गिरते ही गिरते वहाँ पे, क्योंकि ब्रेकर खोदने के बाद उन्होंने साफ सफाई बराबर की नहीं है लोग ने। अभी आप देख सकते हो, अभी भी देखो आप कितनी स्पीड में आ रही, देखो गाड़ी है, देखो ब्रज कर छोड़ दिए है ऐसे ना। हाँ, उखड़ खाबड़ हो गया, काम पूरा हुआ ही नहीं उनका अभी तक। ये 2-3 बार बोल चुके हैं उन्होंने PWD वाले को भी, बोले यहाँ पे कंप्लेंट डाले, वो सुनते नहीं है कुछ। अरे गटर की वजह से भी देखो, आप गटर देखो, ये गटर की वजह से भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। जब पानी आता है ना 5 बजे टाइम पे, पूरा पानी रोड पे आता है। ये भी बात सही है कि यहाँ पर हादसे काफ़ी हो रहे हैं, देखेंगे ब्रेकर जो है वहाँ पर हटा दिया गया है हादसे होने की वजह से। लेकिन जब पानी 5 बजे के टाइम में इस एरिया में पानी जब आता है, उसके बाद पानी यहाँ से बहता है, काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव यहाँ से होता है, और बाइक वालों के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि बाइक जो है स्किड कर जाती है। लेकिन आज शाम करीब 5 बजे के आसपास में एक युवक और एक युवती बाइक से थे, और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका संतुलन बिगड़ा और दोनों जो है गिर पड़े, और दोनों युवक और युवती जो है वो रोड के दूसरी तरफ गिरे और बाइक जो है उनके एक कंटेनर के चपेट में आ गई। काफ़ी दूर तक बताया जा रहा है कि कंटेनर बाइक को खींच कर लेके गया, लेकिन वो कंटेनर जो ड्राइवर था वो भी मौके से फरार हो गया है।